हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमारे में शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम एक मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन है जो देश के संस्थाओं को बेच रहे हैं? इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं, उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का, देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, तीन कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी, किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर एक। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की बैंक, ये सब बिक रहे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है। ये बिक रहे हैं सब। FCI की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरे FCI के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र के तट थे 100-100 किलोमीटर तक एक कंपनी को बेच दिए, वे बंदर कहां भी बिके, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े बंदर कहां वहां पे बिक चुके हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।